वेलकम बैक टू माई चैनल वी पॉजिटिव। सो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू कर रही हूँ बायोटेक के एडवांस आयुर्वेद बायो वीट जम यूथफुल नरिशिंग नाइट क्रीम का, जो कि 100% प्योर आयुर्वेद रेसिपी है इसकी। Hey guys, तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो मैं शुरू कर रही हूँ रात को 12:17 पे। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, तो घड़ी बिल्कुल सही है, गलत चढ़े हुए हैं और जगह जगह भूख लग गई है इन लोगों को देखिए, सो नहीं देंगे लेकिन भूख लग गई है। और एक जन गई है मैगी बनाने किचन में, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। और एक हमारे भैया हैं, वो रात को 12 वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो भी अंडर गारमेंट्स में, तो मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ आपको। किचन में है जागृति, पहले का मैगी, क्योंकि मैगी ना बचता नहीं है, तो इसको इन लोगों ने छुपा के रखा था। ठीक है, तुरंत एक्सेप्ट किया। हाँ, सो हम लोग रात को कर रहे हैं मैगी पार्टी, एंड उसके बाद हम लोग मस्ती नहीं, वैसे कल संडे है, वैसे संडे मंडे लॉकडाउन में तो संडे मंडे कुछ रह ही नहीं गया है। सो मैं स्कूल जाना है और ऑफिस जाना है, तो हम लोग करेंगे और ना मम्मी का डांट सुनना है, जल्दी उठो ना दोस्तों के साथ मजा करना है, बस मौसी के साथ मजा करना है। जागृति आ गई है रूम में। जागृति, क्या हुआ मैगी का? मैगी पत्ता पत्ता है, जब पच जाएगी तो हम लोग खा लेंगे और खा के सो जाएंगे। इसके बाद कुछ नहीं दिखाएंगे, सुबह उठाएंगे कल। ठीक है, कौन खाता और ये लोग इतनी खुश है कि 9 कल रामायण नहीं आएगा, रिपीट टेलीकास्ट होने वाला है कल से, तो रिपीट टेलीकास्ट ही ऐसा होगा कि रात को 9 जो शो चल रहा होगा उसका रिपीट टेलीकास्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग में होगा। तो ये लोग आजकल की रामायण, क्या बोलते हैं उसको, तो रामायण की दार्शनिक है ये लोग, तीनों जन मतलब हमको छोड़ के तीनों जन ही सुबह 9 उठ जाती हैं और तुरंत बैठ जाती है टीवी के सामने, मतलब भगवान की पूजा आदमी नहा धो के करता है। ये लोग सो के उठते हैं और भगवान के दर्शन करने चले जाते हैं बिना ब्रश किए। इन लोग की कहानी इन्हीं की जुबान सुनी है। तो आप लोग का लॉकडाउन में मॉर्निंग रूटीन क्या चल रहा है? मैं अच्छा पहले हम लोग सोते हैं, सो के उठती है और सो जाते हैं, मॉर्निंग रूटीन चल रहा है। ठीक है, तो अभी तो सोएंगे ही ना, बट रात में सोओगी ना, मॉर्निंग में मॉर्निंग की चीज बताई जाती है। पहले जब सो के उठेंगे 9 सो के उठेंगे, कभी कभी पहले उठे तो पहले उठाते तो फिर ब्रश कर लेते 5-10 पहले, और अगर 9 उठते तो पहले जाते हैं नमाज लेके बैठ जाएंगे, 10:30 वहां से उठेंगे, फिर उसमें नहाएंगे, चाय पियेंगे, और फिर उसके बाद खाना तैयार हो जाएगा। खाना तैयार हो जाएगा तो फिर खाना खाएंगे एंड उसके बाद सो जाएंगे। मतलब दोपहर तक का रूटीन बता दिया है ना, तो आप दूसरे लोग के मुंह से सुनते हैं। तो कुछ इस प्रकार से चल रही है हमारी लॉकडाउन की मस्ती। आज मैंने किया हेयर ऑयलिंग, जैसा कि मैं सैटरडे और ट्यूसडे हमेशा करती हूँ, मेरे बाल थोड़े चिपचिपे और मेरी स्किन काफ़ी ग्लो कर रही होगी। फ्रेंड्स, आप ध्यान अगर दे रहे होंगे तो मैं नाइट में कौन सा क्रीम लगाती हूँ, मैं उसका रिव्यू आज आपको दे देती हूँ। सबसे अच्छा चीज़ ये रहेगा, जस्ट अ मिनट। सो फ्रेंड्स, मैं आज रिव्यू कर दे रही हूँ इस बायोटेक के नाइट क्रीम का, जो कि मैंने पर्पल से लिया था और इसकी शॉपिंग हॉल मैंने आपके साथ शेयर, जिसकी शॉपिंग हॉल मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। पर्पल से मैंने इसे लिया था और वहाँ पे मैंने इसकी एमआरपी भी बता दी थी आपको। फ्रेंड्स, ये कितने का था और किस ऑफर में मुझे मिला था अभी एक्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट मुझे ऑफर में मिला था, ये बहुत अच्छे से याद है। तो इसकी जो एमआरपी है वो 230 है एंड इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 3 की है और इसका जो नेट वेट है वो 50 है। और मैं इसे जब से मंगाई हूँ तभी से यूज़ करी हूँ और मेरी स्किन में काफ़ी ज़्यादा फर्क आया है पहले से, तो काफ़ी अच्छा है ये मुझे लगा। वैसे ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है, मेरी स्किन ऐसे ऑयली है, बट मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा केयर करते करते मेरी जो स्किन है वो ऑयली से थोड़ी सी नॉर्मल हो गई है, ड्राई नहीं कहूँगी बट नॉर्मल हो गई है। जैसे कि गर्मी शुरू हो गई है, पहले क्या होता था गर्मी शुरू होती है मेरी स्किन पे मतलब ऑयल अपने आप दिखने लगता था, अभी क्या होता है कि मतलब कि बहुत गर्मी धूप उप में जब छोड़ा जाती हूँ तभी ऐसा होता है, बट अभी नॉर्मल हो गया है बिल्कुल ही। तो इस ये जो नाइट क्रीम है इसे मैं रात में लगाती हूँ, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसे जस्ट लगाया है। पहले अच्छा फेस वॉश किया है, उसके बाद मैंने ये क्रीम लगाई है बायोटेक की। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए,
एंड ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते बिकॉज ये इसकी जो कंसिस्टेंसी वो बहुत ही ज़्यादा ऑयली है जिसकी वजह से और ज़्यादा ग्लोइंग स्किन लगने लग रही है. तो बेस्ट है मेरे हिसाब से. बायोटिक एडवांस एलरेज बायोबीड क्रेंच यूथफुल नरिशिंग नाइट क्रीम. सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का इसका कंटेनर है. प्लास्टिक का है ये कंटेनर और बहुत ही प्यारा सा है, छोटू सा, जिसके अंदर 50 ग्राम क्रीम भरी हुई है. तो इसका ग्रीन कलर का ऊपर का कैप है एंड अंदर एक और कैप मिल जाता है आपको जिसको पकड़ने की सुविधा दी गई है. एंड ये जो क्रीम है उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह के जैसा आपको दिख रहा है, बिल्कुल क्रीमी है और मतलब कोल्ड क्रीम वाला कंसिस्टेंसी है इसका. मतलब ऑयली ऑयली सा लगता है लगाने पर. तो ये देखिए मैंने आपको लगा के दिखा दिया. एक्चुअली मैं लगा चुकी थी ऑलरेडी अपने स्किन पे, वरना मैं आपको फेस पे ही लगा के दिखा दी. तो इसलिए मैं अपने हाथ पे लगा रही हूँ क्योंकि मैं अपने फेस पे ऑलरेडी लगा चुकी हूँ. तो ये देखिए लगाने के बाद कुछ ज़्यादा ही ग्लो करने लगता है फेस. तो हमें तो कहीं लगा के जाना नहीं है इसको. सो अब फेस ऐसे ही ग्लो कर रहा है, हमेशा ही ग्लो करने लगेगा लगाते लगाते, जैसे मेरी करने लगी है. तो मोस्टली 1 month हो गए मुझे इसे यूज़ करते करते. जैसा कि आपने देखा होगा ये बिल्कुल आधा हो चुका है. खत्म हुआ और मैगी आ गई है. तो यहाँ देखिए हमारा मैगी आ गया है. मैगी पता है अब लोग मैगी खाएंगे. मैगी कैसे खाएंगे? चम्मच से. आज जागृति पागल हो गई है. ऐसे मैं कैमरा लेके घूमती हूँ, नहीं बोलती. आज कैमरे में घुस घुस के बोल रही है. हम जा रहे हैं मैगी खाने. हम चारों लोग के लिए पानी आ चुका है. अपन लोग इसी ग्लास में पानी पियेंगे. एक ग्लास हम चारों लोग पी लेंगे. ये क्या बता रहे हैं? तो ये है मेरे भैया जो रात को 1:15 बजे वॉकिंग गए हैं. और वैसे इनका ये जब इनका मन होता है ना तभी ये बैठ जाते हैं अपना सिस्टम ऑन वगैरह करके. ये देखिए हमारी महारानी है, लोग मैं के मैगी खा रही हूँ और हमसे वीडियो बनवा रही हैं. मैगी भी हम ही से लोग बनवा रहे हैं. लोग तब कह रही हैं जितनी जिसने मैगी बनाई वो बर्तन भी तुमको दूंगा है. देखिए क्या चाट रही है. देखिए देखिए देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं दर्शकों. देखिए कैसे चाट रही है. इनका तो अभी बचा ही है. कह रही है नमक उड़ेल रही है मैगी में. ये शाही पनीर में नमक ही डालना भूल गई थी. पालक पनीर में नमक भी डालना भूल गई थी. हर चीज़ में नमक भूल आ जाती हैं. इनको तो जैसे नमक याद ही नहीं रहता. हमारी आज की होस्ट जागृति विश्वकर्मा जो होस्टिंग करते करते भुखा गई है. तो देखो देखो बेचारी की मैगी को हड़पा जा रहा है. इधर देखो आज ये एकदम मूड में है, चपड़ चपड़ बोल रही है. बाकी टाइम में क्या होता है ना कि मुझे इनके पीछे कैमरा लेके घूमना पड़ता है, लेकिन आज ये खुद कैमरे में घुस घुस के बोल रही है. मूड में है एकदम. 2 दिन में जाने वाली है ना ये लोग. तो दिया पूछने से पहले फड़फड़ाता है. तो भाई हाल है इनका. जाने से पहले मस्ती हो रही है खूब. ठीक है, तुम्हारा वीडियो नहीं देखेंगे हम. तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो. आज की वीडियो हम लोग की थोड़ी सी मस्ती थी, मतलब कि रात की मस्ती थी. और मैंने एक रिव्यू दिया है बायोटेक के नाइट क्रीम का. तो आई होप आपको पसंद आया होगा. एंड इस प्रोडक्ट का बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स. इसके पहले मैंने जो एक वीडियो डाली थी शॉपिंग हॉल की, उसमें भी मैंने बाय लिंक दिया हुआ था, इसमें भी दे दूंगी. सो कैसी लगी वीडियो बताइएगा ज़रूर. ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कॉमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा.